फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। और द क्राफ्ट टेल्स मनीषा में फिर से आ गई है ये लीव एंड ये थ्रेड और इसके साथ सुई। तो अभी हम इससे कुछ करने वाले हैं और वो भी फिर से नया, तो आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरे पास, कौन सा लीफ है? ये बनियन ट्री का लीफ है एंड ये लीफ अभी पूरी तरह से ड्राई हो गया है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुड़ गया है। तो इसको मैं ऐसे बहुत ही स्लाइटली ली, तो ये टूट जाएगा बचाओ। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। नेक्स्ट, क्या ये क्राफ्ट सबको बहुत पसंद आया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप भी सुन सकते हैं, जब इस ड्राई है लीव तो इसमें से कैसे आवाज आ रही है ना। तो इस लीफ को बहुत ही संभाल के यूज करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा संभाल के, मतलब जितना केयरफुली हम यूज कर सकते हैं ना हमें उतना करना चाहिए। प्लांट्स से लीफ हम तोड़ते नहीं हैं, ये मेरी एक खास बात है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी नेचर को हार्म पहुँचे। मैं कभी लीव्स और ऐसे ट्रीज को या फ्लावर्स को कभी भी हार्म नहीं पहुँचाती। इवन मैं पूजा में भी जो फूल यूज़ होते हैं उनको भी सुखा के मैं उनसे भी काफ़ी कुछ डिफरेंट करती रहती हूँ, तो वो भी एक अलग ही है, उनकी अलग एक पहचान है, उन फूलों की एक अलग दुनिया है। तो वैसे ही ये चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं या कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इससे हम किसी को हार्म पहुँचाएँ, हम इनको आराम से प्यार से कर सकते हैं। और ये लीव्स पड़ी रहती हैं रोड पे, गार्डन में, कहीं पे भी, तो आप उठा के लाओ और उससे कर सकते हो तो बेटर होगा। इसीलिए मैं रबर प्लांट का जो लीफ है वो प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि रबर प्लांट को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है एंड सेकेंड थिंग कि वो फिर तोड़ना पड़ेगा मुझे, तो मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ कि उसको मैं तोड़ूँ। रबर प्लांट की लीव्स जल्दी ड्राई नहीं होती एंड अगर किसी के पास होती हैं तो उसको ज़रूर सुखा के रख लेना चाहिए। आपको पता है एक ट्री है पारिजात ट्री जो हमारे यूपी में है, मीन्स हमारे लखनऊ के बहुत ही नियर बाई है, तो मेरे पास वहाँ पे जब ही हम गए थे पारिजात घूमने एंड वो काफ़ी टाइम पहले गई थी, 2001 में गई थी शायद वहाँ पे, तो वहाँ से भी मैं वो पारिजात की लीव्स जो ड्राई होकर नीचे थी एंड पारिजात का फ्लावर वो मैं लेकर आई थी, तो वो भी मेरे पास आज तक है और वो ख़राब नहीं हुए। एंड मैंने उनको बहुत बोला जाए बहुत अच्छे से तो नहीं रखा है, क्योंकि उनको सिर्फ एक A4 साइज पेपर पे स्टिक किए सारे लीव्स को जो भी मेरे कलेक्शन में थी उस एज में मेरे पास, एंड उसके बाद फिर उनको ऐसे ही रखा है। बट हाँ, आज तक वो सारी लीव्स मेरे पास हैं, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। एंड अभी इसके ऊपर नीचे बड़ा है स्पेलिंग, तो काफ़ी संभल संभल के लिखना है मुझे, बट ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम फ्लावर्स भी बना सकते हैं छोटे छोटे से, तो वो भी बहुत ही अलग डिफरेंट लुक देगा। देखते हैं क्या करती हूँ इसको, बट इसमें आगे और जो करना है वो करके फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए, ये लीफ बहुत ही ड्राई हो गई है, इसको बहुत संभाल के काम करना पड़ा। एंड एक चीज़ है कि इसका ये जो पार्ट है टाइनी सा जो स्टेम से लगा रहता है एंड ये जो पार्ट है इसको बहुत ही बचाना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर थोड़ा भी थ्रेड लगा ना, और अक्सर होता है कि थ्रेड यहाँ से या थ्रेड यहाँ से फंसता ज़रूर है, तो काफ़ी बचा के ये काम करना होता है हमें। बट कुछ अलग और यूनिक करने के लिए तो रिस्क तो लेना है,
नहीं लेंगे तो कुछ अलग कहाँ से आपको पता चलेगा। कभी भी लाइफ में कुछ अलग करना होता है तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ही हमें काम करना होता है, एनी टाइम एनी वेयर। अगर हमारी लाइफ में लिमिटेशंस होंगी, बाउंड्रीज होंगी, तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, या लोगों को वो पागलपंती लगती है या उनको वो बेकार की चीज़ें लगती हैं। किसी की भी लाइफ में जब तक हम पागलपंती की हद तक नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो दुनिया है और वो उसके अपने नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, वो हम ही लोगों ने बनाई है, हमारे जैसे ही लोगों के नियम और कानून हैं जो हम मानते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। एक चीज़ और बनाते बनाते मैं जब भी फिनिशिंग की बात आती है ना इसमें, तो एक्चुअली ये थ्रेड बहुत ही क्या बोलते हैं, कच्ची सिलाई जैसे करनी होती है, जैसे आप पीछे से ये देख रहे हैं, इस पर हम नॉट वाला नहीं कर सकते बिकॉज की लीफ टूट जाएगी। काफ़ी ऐसे अगर देखेंगे तो इस साइड से आपको वो उसमें छोटे छोटे होल भी दिखने लगते हैं। तो ये हमें जहाँ पे इनके ये क्या लीव्स की जो ये वेन्स बोलेंगे अंदर के जो ये पार्ट्स हैं, तो जहाँ पे अगर वो उभरे हुए हैं वहाँ पे सुई नहीं जा रही है तो उसके साइड से लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो सेम एक लाइन में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा स्लांटिंग जैसा डिफरेंस दिख रहा है, तो वो नहीं हो पाता है। तो हमें इसके हिसाब से काम करना पड़ता है, इसकी सिचुएशन कैसी है इसकी सेहत को देख के काम करना पड़ता है। तो कई बार हमें होता है कि हमें दूसरों को भी थोड़ा उसका कंफर्ट जोन भी होना चाहिए। अगर हम ट्राई करेंगे कि बिल्कुल ये सीधा सीधा चला जाए, तो सीधा सीधा नहीं जाएगा बिकॉज कि वहाँ पे कुछ तो कुछ है और उसको हम नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के भी कई सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें उसी हिसाब से कर पाएं, क्योंकि कई जगह हमें दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ता है, दूसरों को भी देखना पड़ता है। बट जहाँ पे अच्छाई हो भलाई हो दोनों की, उसकी भी और हमारी भी, तो ठीक है। बट जैसा कि अगर हमको है कि हम उस तरह से काम कर सकते हैं, वहाँ से उस चीज़ को ऐसे न करके दूसरी तरफ, तो सोल्यूशन और रास्ता तो हर जगह मिल जाता है। जैसे अभी अगर हम वहाँ पे, जब भी मैंने पेन से मार्किंग की तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे ये सुई से कर पाऊँगी, बट जब भी मैं सुई से कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं इससे ये नहीं कर सकती हूँ और इसको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने फोर्सफुली किया यहाँ पे तो वो लीफ टूट जाएगी और जो मैंने इतनी देर से ये मेहनत की है वो भी बेकार चली जाएगी। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं कि हमें दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो, जहाँ पे दोनों के लिए अच्छा हो, तो वहाँ पे हमें उस हिसाब से भी चलना चाहिए। और लाइफ में अगर कहीं पे कोई लिमिटेशंस है, कोई लगा रहा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि वो वहाँ से हम एक सॉल्यूशन ढूंढ सके, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो बाद में क्रिएट होती है, बिना सॉल्यूशन के कैसे, अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है जो सॉल्व ना हो सके, बस उसको थोड़ा सा टाइम दे के उसको समझने की ज़रूरत होती है। कि इस लीफ के पूरे टेक्सचर को अगर समझें तो इसमें बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ पे हम अगर सुई करेंगे तो ये यहाँ से इनके जो टेक्सचर का ये जो जालियाँ हैं वो टूट जाएंगी। तो हम उनको बहुत ही संभाल संभाल के काम करते हैं उनके ऊपर। वैसे ही कई सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं जब हमें सीखना होता है और वहाँ पे संभलना होता है, उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें ध्यान में और हमें लाइफ में जो है समझने को और संभलने को होती हैं। कि आप फास्ट, हर टाइम फास्ट भी नहीं चल सकते, बट आप स्लो स्लो चलते रहोगे और उस लेन में बने रहोगे ना, तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी आपको।
यहाँ पे इसको भी संभालना है और इसको भी संभालना है। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पीछे चीज़ों को छोड़ते जाएं, या वो टूट गया तो उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमें हर चीज़ को संभालना है बट एक लिमिट में। हाँ, अगर वो टूट जाएगा तो उसको मैं संभाल नहीं सकती हूँ, बट मैं अभी संभाल संभाल के कर रही हूँ कि मेरे से वो ना टूटे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद कपड़े के ऊपर कुछ कुछ ब्राउन ब्राउन सी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही हैं, तो ये जब इसमें सुई अंदर जाती है ना तो वहाँ से कुछ चीज़ें लीव्स के कुछ पार्ट्स हैं जो जहाँ पे भी होल होता है वो नीचे गिर रहा है। तो ऐसे जैसे अगर सोचा जाए तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम लाइफ में कुछ सीखते हैं, कुछ अलग करने जाते हैं, तो हमारी अंदर की जब कुछ नया सीखते हैं तो हमारी अंदर से काफ़ी कुछ निकलता है जिनको छोड़ देना चाहिए। कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ अलग टाइप के थॉट्स होते हैं, तो अगर वो हमारे अंदर से जा रहे हैं हमारे अच्छे के लिए तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। मैं इस स्लीव के ऊपर टाई नॉट बनाना चाह रही थी, नॉट बना के करते ना एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स वाले, वो करना चाह रही थी बट वो हो नहीं पाएगा। तो मैं रबड़ प्लांट के ऊपर वो करूँगी, क्योंकि रबड़ प्लांट की जो लीफ होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वो जल्दी नहीं टूटती है। एंड उसके ऊपर एक और चीज़, उसका प्लस पॉइंट ये है कि रबड़ प्लांट की लीफ थोड़ी सी शाइनी होती है, इन पे शाइन नहीं होता है बट ये लीफ लॉन्ग लास्टिंग अच्छी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। रबड़ प्लांट की लीफ के ऊपर शाइन भी रहता है और वो ख़राब भी नहीं होती हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा कि कब वो प्लांट की लीफ ड्राई होगी और कब सूखेगी और फिर वो नीचे आएगी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड होप कि मैंने इसके ऊपर जो स्पेलिंग है वो सही लिखी है। एक बार मैं चेक करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है मैं जल्दी में स्पेलिंग्स मिस्टेक कर देती हूँ। स्पेलिंग सही है तो जैसा कि बताया मैंने आपको ना कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे आ गई है, बट कोई नहीं, वहाँ पे मैं नहीं कर सकती थी तो इसके लिए मुझे वहाँ से उसको दूसरी जगह से करना पड़ा।
द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा, तो मनीषा ने ये बना लिया इसको बचाते हुए लीफ को। ये मैंने जस्ट ऐसे रखा था कि कैसा दिख रहा है, बिकॉज अभी थोड़ा सा ये वेट है। वेट क्या है इसमें, ये जो स्टिक्स क्राफ्ट मोटिव्स एंड ये अभी ग्लू है। दूसरा, ये लीफ को मैंने ग्लू से जो स्टिक किया थोड़ा सा वो भी वेट होगा, तो अगर इसके ऊपर हम ग्लास रख देंगे तो वो मॉइस्चर लगा रह जाएगा अंदर उसके, तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। और हम ये होने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्लास लगाएंगे एंड देन फ्रेम लगा देंगे और ये फिर प्रॉपर हो जाएगा। तो मुझे आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मेरे बच्चों को सिर्फ नाम चाहिए था तो मैंने सिर्फ नाम लिखा है। बाकी बर्थडे मैसेजेस एंड और भी बहुत सारे विशेज मैसेजेस एंड कोट्स लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट स्टोरी कुछ रहेगी हमारी द क्राफ्ट टेल्स की। एंड आपको ये कैसा लग रहा है द क्राफ्ट टेल्स, होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो अभी ये हो गया ड्राई, एक बार ग्लास को पोंछ लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ग्लास को पोंछा नहीं था तो उस पर बहुत सारे मेरे फिंगरप्रिंट्स थे, तो अभी मैंने ग्लास को पोंछ लिया है एंड इसके ऊपर रखूंगी ऐसे। इसको बनाना भी बहुत इजी है, आप बनाओ और इन्जॉय करो एंड मिलते हैं फिर। तब तक के लिए मनीषा की तरफ से एंड द क्राफ्ट टेल्स की तरफ से आपको बाय बाय, सी यू सून। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक माय चैनल्स द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा एंड तितलियां, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर दीजिए, फिर लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा वीडियोस को। एंड आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरे क्राफ्ट कैसे लगते हैं, मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, प्लीज़ वो बताना। एंड कि मुझे क्या करना है और उसमें क्या सुधारना है, क्या नहीं करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। जो मेरे व्हाट्सएप वाले फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेजेस करते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी रिप्लाई मिलेगा, वहाँ पे भी आप पब्लिकली भी सजेशन दे सकते हैं, उसका भी वेलकम है। एंड व्हाट्सएप पे तो आप करते ही करते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेंजर एंड इंस्टा चैट सब पे मैसेजेस आते हैं, तो यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे मैसेज पब्लिक होते हैं, इसके लिए लोगों को थोड़ा लगता है। बट अगर आपके कोई सजेशन है, कुछ भी है, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय।